सो कंगना रनावत, तुम बात करती हो फेमिनिज्म की, औरतों के रिस्पेक्ट की, तो तुमको फेमिनिज्म का एफ भी पता है? तुम हमेशा औरतों की, अपनी इज्जत की हमेशा बात करती हो, जब किसी और औरत की इज्जत की बात आती है या फिर कोई और बड़े आर्टिस्ट की बात आती है तो तुम उसको बी क्लास एक्ट्रेस बोल देती हो, सी कैटेगरी बोल देती हो, सॉफ्ट पोर्न बोल देती हो, और अगर कोई बंदा तुमको हराम खोर बोल दे तो तुम पूरे बीजेपी ले आती हो साथ में, तुम्हें वाई कैटेगरी में सिक्योरिटी मिल जाती है। हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो तो इतने ज्यादा वाहियात हैं कि मैंने ऐसे सपोर्टर्स नहीं देखे अपनी लाइफ के अंदर। आराध्या बच्चन को रेप थ्रेड्स दे रहे हैं, तुमने कभी भी निकल कर अपने सपोर्टर्स को ये बोला कि किसी को थ्रेड देने से अच्छा है रिस्पेक्ट दैट वूमेन, रिस्पेक्ट दैट लेडी? और जिस तरीके की तुम बात करती हो ना कि लोग तुम्हारे व्यूज को हमेशा सपोर्ट करें, तो ये जो चीज है ना ये इस देश के अंदर नहीं होती, क्योंकि इस देश में आपको अपने एक्सप्रेशन की, अपने स्पीच की, अपने हक की बात करने का पूरा आजादी है। और तुम बात करती हो कि मेरे साथ ये हादसा हुआ, मुझे ड्रग दिया गया, मुझे ये किया गया, तो निकल के वो ड्रग डीलर का नाम क्यों नहीं बताती हो? और अगर तुम आदित्य ठाकरे के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाती हो, सीधा निशाना साधती हो, तो सीधा प्रूफ कर दो। तो कंगना रनावत, जस्ट शट अप, अभी ये सब मत करो, सब तुम्हारी चीजें समझ चुके हैं। तुम ये जो पॉलिटिकल एजेंडा बना रही हो, दूसरी औरतों की बेइज्जती करवा रही हो कि तुम्हारे सपोर्टर्स किसी को प्रोस्टिट्यूट बोल देते हैं, किसी को गंदी गंदी गालियां दे देते हैं, तो मैडम बाहर निकल के प्लीज आप अपने सपोर्टर्स को बोलिए कि रिस्पेक्ट करें वुमेन को। अगर आप नहीं कर सकती तो जस्ट शट योर माउथ नाउ, जस्ट शट अप कंगना रनावत, जस्ट शट योर माउथ।